गौ हत्या और ब्रह्म हत्या, ये दोनों बड़ी हत्या है, इनसे बड़ी कोई हत्या नहीं। कभी भी ब्रह्म हत्या और गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि हम सबका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है, गौओं को इस भारत में मार दिया जा रहा है, गौओं की हत्या की जा रही है। सबसे बड़ा गौ तस्कर भारत देश बन गया। जिस गाय, जिस देश में गाय को माता कहते हैं, आज उस देश में गौ का मांस बेचा जाता है। और हिंदू कहने वाले अपने आप को लोग शांति से सब होने दे रहे हैं। हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम बांग्लादेश में नहीं रह रहे, हम कैसे हिंदू हैं कि हमारे देश में हमारे ही आगे गौ माता को मार दिया जाता है, जिस गौ माता के अंतःकरण में, उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ऊपर से हम कहते हैं कि हम देवी देवताओं को पूजते हैं, हम कहते हैं हम मंदिरों में जाके भगवान को मानते हैं, हम सत्य सनातनी है, और ऊपर से हमारी गौ माता को सरेआम काट दिया जाता है। और हम कहते हैं कि जो प्रमाणित, हमारे यहां बोलते कट्टी घर, कट्टी घर होते, जो प्रमाणित है वहां गौ काट लो, लेकिन जो अप्रमाणित है वहां नहीं। ये कोई बात हुई? गौ काटने का प्रमाण पत्र कौन देगा और किसके पास वो सामर्थ्य है? क्या हिंदू ये सामर्थ्य किसी को देते हैं? और अगर आप देते हो तो सत्या के पाप में भागीदार हम और आप भी हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने उस समय भी गौ हत्या का विरोध किया था। 73 साल हो गए हमें आजाद हुए, आज भी गौ हत्या इस देश में हो रही है और हिंदू मूक बधिर होकर ये सब देख रहा है। जागो हिंदू, जागो, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपनी सभ्यता को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ, अपनी गौ माता को बचाओ, अपनी जमुना माता को बचाओ, अपनी गंगा माता को बचाओ, अपने गीता को अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने धर्म को जानो और अपने बच्चों को जनाओ। अगर तुम ये कर पाए तो सच्चे हिंदू हो, अदरवाइज हम अपने हाथों से अपने संस्कारों की हत्या कर रहे हैं। अगर जागे हुए हिंदू हो तो गौ माता की हत्या ना हो, ऐसा प्रयास करो। बोलो राधे राधे।